हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की सैलरी के बारे में कि आखिरकार उन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए और एवेंजर एंड गेम के लिए कितना लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड की वो एक ऐसी शख्स है जो कि सबसे ज्यादा चार्ज करती है हर एक मूवी के लिए। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए कितना लिया, आप यकीन नहीं मानोगे। तो सबसे पहले एक एनुअल सैलरी के बारे में बात करते हैं जो कि वो हर मूवी का चार्जेस करते हैं। मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर मूवी की बात कर रहा हूं। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हर मूवी के लिए चार्ज करते हैं 20 मिलियन, यानी कि करीब 129 करोड़ रुपए, जो कि इंडियन करेंसी में है। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की इन्फिनिटी वॉर की सैलरी जाने तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इन्फिनिटी वॉर के लिए लिए थे 75 मिलियन। समझ सकते हो, कान नॉर्मल मूवी के लिए 20 मिलियन और इन्फिनिटी वॉर के लिए 75 मिलियन, तो यानी कि 524 करोड़ रुपए एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए लिए थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। और एवेंजर एंड गेम में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो अभी हाल ही में पता चला है कि एवेंजर एंड गेम के लिए उन्होंने लिए थे 100 मिलियन। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि हम फैंस को काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहां नॉर्मल 20 मिलियन, कहां 75 मिलियन और एवेंजर एंड गेम के लिए 100 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उससे सबसे बड़ी बात आपको थोड़ी चौंका देगी कि एवेंजर एंड गेम से पहले आपको पता होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग में उनका एक अच्छा खासा रोल था। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग के लिए आखिर उनने कितने लिए, और जबकि उनने काम करा था ओनली 3 डेज। तो अगर इसको आपकी डिटेल जाननी है तो लिंक दे रखा है, आपको वहां पे सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आते बिल्ली आगे शेयर कर। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पैर में के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।